अच्छा फिज़ा को लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, कि सरफराज ने उसको छोड़ दिया। बहुत जल्दी हमें ड्रामा सीरियल में ना फिज़ा की ज़िंदगी में भी कोई बंदा दिखाया जाएगा जो कि फिज़ा को फुली तौर पर प्रोटेक्ट करेगा, उसका साथ देगा। अच्छा यहाँ पर फिज़ा की ज़िंदगी तो सेट होने वाली है, अब यहाँ पर 2-3 एपिसोड्स हमें दिखाई जाएंगी जहाँ पर वो दुआ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी, लेकिन बहुत जल्दी जो है उसका दिल मोम हो जाएगा और फिज़ा की ज़िंदगी जो है वो भी बहुत जल्दी सेटल होने वाली है। इस्माइला अपनी चाल में जो है ना वो जीत गई है, आगे वो नौशेरवा के दिल में जो है ना वो बुराई डालेगी दुआ की, लेकिन जैसे ही बुराई डालेगी यहाँ पर अल्लाह पाक की कुदरत होगी और दुआ प्रेग्नेंट निकल आएगी, जिसकी वजह से दुआ का और नौशेरवा का रिलेशनशिप दोबारा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकली है कि सरफराज ने कहना है कि ये बच्चा तो एक्चुअल में मेरा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सब कुछ दुआ के साथ कर चुका था। इस तरह की हमें बहुत ज़्यादा चीप बातें भी आगे सुनने को मिलेंगी, लेकिन ड्रामा सीरियल का बहुत जल्दी हमें एंड दिखने में मिलेगा और एंड बहुत ही खूबसूरत होगा।